उधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर कह दिया। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, अगर यहां पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा। यानी दिग्विजय सिंह के शब्दों में भारत ने कश्मीर पर जबरन कब्जा कर रखा है। कश्मीर समस्या पर बोलते बोलते दिग्विजय सिंह कैसे आतंकी हाफिज सईद की भाषा बोल गए, जरा फिर से सुनिए। नरेंद्र मोदी जी को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की ज्यादा चिंता है, उनको वो धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। बलूचिस्तान को धन्यवाद और बधाई देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कश्मीरियों से बात करने तैयार नहीं है। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, अगर यहां पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। निर्णय किया गया है कि जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के और पाकिस्तान की तरफ क्या रवैया रहना चाहिए उसको लेकर के सर्वसम्मति से एक रुख होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस विषय में हम जो भी कहें, ऐसा लगना चाहिए कि हम भारत का पक्ष रख रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पाकिस्तान की ओर से बोल रहे हैं। अगर कोई कश्मीर पर जबरन कब्जा बनाए है तो वो पाकिस्तान है, जिस हिस्से को हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार का ना कोई मंशा थी ना मायना था। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह की पहली बार जुबान फिसली है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के पीछे उन्होंने हिंदू कट्टरपंथी संगठनों का हाथ होने का शक जताया था। इसी तरह अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को उन्होंने ओसामा जी कहा था। हालांकि इस बार फिर मामले ने तूल पकड़ा तो जरा सफाई सुनिए। सर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने कहा, जो मैंने कहा, मैंने कहा है कि जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, ऐसा नहीं है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सवाल यह है कि जानबूझकर इस तरह की भाषा बोलते हैं या फिर अनजाने में फिसल गई जुबान।